देखिए ये जो बजट आया है इससे हम लोग खुश नहीं हैं, खासकर औरतें। औरतों के हक में कुछ आया ही नहीं। किचन की चीज़ें वैसे ही महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दाल चीनी चावल आटा सिलेंडर कोई चीज़ में हमें कमी मिल ही नहीं रही, तो हम खुश नहीं हैं। बजट से अच्छा नहीं, नहीं हमें बिल्कुल भी इससे खुश है ही नहीं। इस बजट को एक सामान्य बजट देखना चाहिए। इस बजट में कोई ऐसा खास नहीं है, जो कुछ भी था केवल एक निवेशक के रूप में इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिया। बड़ी कंपनियों को जो कॉरपोरेट को दिया गया है एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, उसमें इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, उस कानून को ख़त्म कर दिया है। उस पर कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। डिविडेंड जो भी हमारे लोगों को मिलता है निवेशकों को, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब आज की डेट में हमारे विचार से फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा कोशिश किया हर सेक्टर को कवर करने की, और ये जो दिखता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखिए बजट सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, हमारे देश की पहली वित्त महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये बहुत ही अच्छा बजट पेश है। और बजट का जो आधार है वो गांव गरीब और किसान के लिए ये बजट आया है। इसमें किसानों की आय 2022 तक जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि उनकी आय दुगनी हो जाए, इसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है उस पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसी प्रकार से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए रेलवे की जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि देश में ऊर्जा की उपलब्धता भी हो और डीजल और तेल पर जो पेट्रोल पर या अन्य माध्यमों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है जिनसे प्रदूषण फैलता है उन पर भी रोक लगे और स्वच्छ ऊर्जा का प्रभाव बढ़े। और किसानों के लिए किसान रेल योजना प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से किसानों की ऐसी चीज़ें जैसे फल है, मछली है, मीट मांस है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ज़्यादा समय लगता था और सड़ जाते थे, उसके लिए किसान रेल को चालू करके एक बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। सरकार ने आदिवासियों के लिए भी बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया है, और समुद्र के किनारे अर्थव्यवस्था मजबूत हो उसके लिए भी पैसा बहुत खर्च किया है। नई 150 ट्रेनें तेजस की तरह चलाने की घोषणा की गई है, और सामान्य व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ी छूट दी गई है। जो 2.5 लाख रुपए तक हम लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।